हेलो फ्रेंड्स, मैं राम रूप शर्मा। आज आपको मैथमेटिक्स का एक ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ, 1+1=2, लेकिन हम प्रूव करेंगे 1+1=5। एज यू नो, -10 = -10। -10 कैन बी रिटन एज 4 - 14, और दिस -10 कैन बी रिटन एज 25 - 35। जस्ट एल्जेब्रा, -10, 4 - 14 is -10, and 25 - 35 is -10. According to the Euclid, we can add same thing on both the sides. So now we are adding 49/4 on both sides. 25 - 35 + 49/4. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में मैंने 49/4 को ऐड कर दिया। इसको मैं 2 - 7/2 होल स्क्वायर कह सकता हूं। अगर हम इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से देखें, a² + b² - 2a। इसी तरीके से राइट हैंड साइड को मैं 5 - 7/2 होल स्क्वायर कह सकता हूं कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। अगर मैं इसके दोनों साइड का स्क्वायर रूट लू, means taking square root on both sides, so this will be 2 - 7/2 = 5 - 7/2. 7/2 कैंसिल आउट हो सकता है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से सेम चीज कैंसिल हो सकती है, means 2 = 5 और 1+1=5। तो मैंने आज आपके यूनिवर्सल ट्रूथ को अलग तरीके से प्रूव किया है। 1+1 is always 2, बट हेयर 1+1 is 5। मैं दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूं जल्दी से। -10 = -10। -10 can be written as 4 - 14, एंड दिस -10 can also be written as 25 - 35। बाय एडिंग बोथ साइड्स बाय 49/4, 4 - 14 + 49/4 और 25 - 35 + 49/4। 4 - 14 + 49/4 = 2 - 7/2 होल स्क्वायर, और दिस विल बी 5 - 7/2 होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दिस विल बी 2 - 7/2 एंड दिस विल बी 5 - 7/2। 7/2 विल बी कैंसल्ड ऑन बोथ फ्रॉम द बोथ साइड्स, दिस विल बिकम 2 = 5 और 1+1 = 5। बट एज यू और एवरीबडी नो 1+1 is always equal to 2, तो आपके लिए ये एक चैलेंज है कि आपको इस पूरे प्रोसेस में से मिस्टेक को फाइंड करना है, और मिस्टेक फाइंड करके आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उसमें मिस्टेक आप मुझे कमेंट के रूप में बताएं। थैंक यू वेरी मच।